बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह आप सबके लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और कोई भी किसी की परेशानी हो, बीमारी हो, छोटी सी भी तकलीफ हो, तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, यहाँ पर मैं आपको जो है चिल्तन प्योर का एक्टिवेटेड चारकोल टीथ वाइटनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके दांत जो है ना प्लाट में आना शुरू हो जाते हैं, और टूथ पेस्ट करने से भी जो है ना उनकी प्लाट ख़त्म नहीं होती और टाटर जमना शुरू हो जाता है, जिससे दांत जो है ना पीले पीले लगते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन है ये। और ये आपको छोटी सी आपको बॉटल लग रही होगी, मगर इस छोटी सी बॉटल में बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर फ़ायदे हैं। अच्छा, आप इसमें जो है ना इसके जितने भी फ़ायदे हैं आप देख सकते हैं, नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको थोड़े सी बस बता रही हूँ मैं तो। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि कोई भी पेस्ट आप जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप अपने ब्रश में लगाएं, आधा और आधा जो है ना ये चारकोल जो वाइटनिंग टीथ है ये आप अपने ब्रश के ऊपर लगाएं, और फिर आप अपने पेस्ट कर लें। थोड़ी देर बाद जब आप कुल्ली करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। इसको आप 2 से 3 बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बच्चे बड़े सभी जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा ये कि हर्बल तरीके से बनाया गया है, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको मंगवा सकते हैं। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। मेरे दांत जो है ना बहुत अच्छे साफ़ हो गए इससे। यहाँ पर जी मैं जो है ना रोज़ अफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर जो भी फ्रूट थे मेरे फ्रिज में से निकाल लिए थोड़े थोड़े, हम जो है ना इसको यूज़ करेंगे और फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो साल के शुरू में जो ये रोज़े हैं मुहर्रमुल हराम के, और इसमें जो है ना बहुत फजीलत है इन रोज़ों की, क्योंकि नफली रोज़े होते हैं, फ़र्ज़ रोज़े नहीं है। अगर आप नहीं रखते तो कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बड़े शौक़ से ये रोज़े रखते थे, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं अगले साल जो है ना मिलाकर रोज़े रखूँगा। यानी 2 रोज़े तो आप ज़रूर रखें, वरना पहले मुहर्रम से 10 रोज़े रखते तो बहुत ही अच्छी बात है। और अल्लाह पाक बस जिसको तौफीक देता है वही ये काम कर सकते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक जो भी कर रहा है इबादतें माह मुहर्रम में, तो अल्लाह पाक उनकी इबादतों को कबूल करे। बहुत ही फजीलतों वाले दिन हैं, बरकतों वाले दिन हैं। जितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएँ, और अपना वक्त जो है हम अपने अच्छे कामों में गुजारें। और जब इंसान रोज़ा रखता है ना तो आप यकीन करें खुद ब खुद इंसान जो है ना बुरे कामों से, बुरे बातों से बचा रहता है, क्योंकि इंसान का रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नहीं होता बल्कि सारी कामों से बचने का, यानी बुरे कामों से बचने का रोज़ा होता है। इसी को रोज़ा बोलते हैं, यानी अपने नफ्स पे काबू रखना। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो अपने नफ्स को काबू में कर लो, बुरी बात भी करना चाह रहे हैं तो उसको अपनी ज़बान को अपने काबू में कर लो। तो अपने आप को काबू करना, अपने आप को रोके रखने का ही नाम रोज़ा है। और अगर आपको जैसे होता है कि अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं आप ईशा की नमाज़, उसके बाद आप 10 रकात आप नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के जितनी भी शोदे कराम है वहाँ पर आप इसका सवाब पहुँचाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको इसका अजर देने वाला अल्लाह पाक। तो अगर पहले मुहर्रम से आप 10 मुहर्रम तक 10 रकात पढ़ेंगे तो ये 100 रकातें हो जाती हैं, और अगर आप नहीं पढ़ सके तो 10 और 20 को भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी जो है ना हमारे अमल होते हैं जिनसे अल्लाह पाक को हम खुश करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस तू राज़ी रहना हमसे, भले बंदे हमसे राज़ी ना हो मगर अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी जो होती है ना उसका फिर अल्लाह नाराज़ होता है ना, तो वो फिर इंसान के लिए बुराई बुराई है, उसकी आखरत भी ख़राब है, उसकी दुनिया भी ख़राब है। यहाँ पर जी मैं जो है ना अभी चाट बना रही हूँ, क्योंकि अभी असर का भी टाइम हो रहा है और आम भी आ रहे हैं, तो आम तो बहुत अच्छे लगते हैं चाट में। और जैसे मतलब आप इफ्तार का दस्तरखान बिछाते तो हज़रत अली का कौल है कि, यानी ये अपने साल के शुरू के रोज़े हैं तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखें तो पूरे साल जो है ना आपका दस्तरखान भरा रहेगा, बरकतें भी देगा अल्लाह पाक और अपनी रहमतें भी उतारेगा। तो ये नहीं होता कि रोज़ा खाने पीने के लिए हम रखते हैं, बल्कि ये एहतमाम होता है रोज़े का, उसके लिए हम एहतमाम करते हैं। और जितना आप एहतमाम करते हैं ना उतने ही ज़्यादा इसमें भी है ना अल्लाह ताला ने अजर दिया है। तो हज़रत अली का कौल है माशाल्लाह से, तो फिर ये हमारे उनकी बात में सारी बातों में सदाकत है। और ये आजमाई हुई बात है कि जब आप अपने दस्तरखान को सजाते हैं और खुलूस दिल से आप ये कोई भी काम करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उसका भी अजर देता है और आपके जो अमल हैं उनको कबूल करता है। तो अपने आप को छोटी छोटी बुराइयों से रोके रखें, छोटे छोटे जो भी गुनाह होते हैं उनसे रोके रखें, तो यही हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। और अल्लाह ताला तो फरमाता है कि
जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और जो मेरे नबी से बैर रखेगा तो मैं भी उससे जो ना बैर रखूँगा। तो हमें बस दिल से हमारे यही अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसी बात ना निकले जो ऐसी हो जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए, या कोई ऐसा अमल हो जाए। तो देखें कितनी सदियां गुजर गई और करबला का वाक़या हुए, कितनी सदियां गुजर गई, मगर आज भी जो है ना, अभी ये 2 दिन में बस ऐसे, मतलब जब से मुहर्रम शुरू होते हैं मेरा दिल अजीब सा हो जाता है, ऐसा लगता है ज़मीन और आसमान सारा जो है ना उदास हो गया और रो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा हमारे दीन इस्लाम में एक वाक़या है जिससे हमारा इस्लाम ज़िंदा होता है, कि उन लोगों ने यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद ने अब इस्लाम की खातिर अपने सर कटवा दिए, अपने आप को उन्होंने किसी के आगे नहीं झुकाया। और यजीद को देखें, वो यही चाहता था कि मैं इनके पूरे काफ़िले को, पूरे कबीले को, पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके मैं अपनी बादशाहत रखूं और सारे लोग मुझसे डरे, मेरा कहना माने, मेरी बादशाहत रहे। मगर उसका अंजाम क्या हुआ यजीद का, कि जब वो मरने से पहले उसको अल्लाह ने एक ऐसी बीमारी दे दी जो उसके पेट में तकलीफ़ हो गई, उसकी आंतें सड़ना शुरू हो गई और इतनी बदबू आती थी उसकी आंतों में से कि जो उसके अपने ख़ास थे वो भी उसके पास आने से घबराते थे, हद तक कि हकीम और जो भी लुकमान बुलाते थे उनके पास वो भी कपड़ा बांध बांध के उसके पास आते थे, दुनिया भर के इतर उसके पास रखे जाते थे, मगर वो खुशबुओं से उसकी बदबू ख़त्म नहीं होती थी, उसकी आंतें में कीड़े पड़ गए थे। अल्लाह ने उसको अजाब दिया था दुनिया में, और वो इतनी तकलीफ़ से कराता था, यानी पानी मांगता था वो पानी, और पानी जब पीता था तो वो पानी आग की तरह उसके पेट में लगता था, यानी पानी पिए बगैर भी उसको तकलीफ़ थी और पानी पीने के बाद भी उसको जो है ना आग लगती थी उसके पेट में, और वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था कि मेरी तकलीफ़ें किसी तरीके से कम हो। जब उसको पता चल गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और दुनिया में जो है ना मैं बस मौत के करीब जा रहा हूँ, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये तख्त ताज ले लो और अब जो है तुम इसके मालिक हो। मगर उसके बेटे ने उसको ठुकरा दिया और कहा कि जहाँ हुसैन और उनके काफ़िले के, उनके ख़ानदान के, हमारे नबी के ख़ानदान का जो खून जिसमें शामिल हो, मैं जो ऐसा तख्त ताज नहीं चाहिए। ये सुन के यजीद को इतना दुख हुआ और उसने जो है ना घोड़ा मंगवा कर और उस पर वो जाने लगा। और ये देखें अल्लाह के करिश्मा, अल्लाह के जो हर एक बात में कोई ना कोई हमारे लिए सबक होता है। और वो जो घोड़े पे जाने लगा तो वो घोड़े से गिरा ना ये यजीद, और उसके पांव उसमें घोड़े की टाप में आ गया और वो रगड़ता हुआ गया, और वहीं इसकी जब गिरा ना तो उसका सर पत्थर के ऊपर लगा और वहीं इसकी मौत हो गई और कचरे में जाके उसकी लाश गई, और वहाँ जाके कौओं ने और गिद्धों ने उसको खाया है। 3-4 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही और इतनी सड़न थी कि जब आपके उसके यजीद के जो खादिम थे ढूंढते हुए गए तो उसकी बदबू उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहाँ पर ही कचरे के नीचे उसकी लाश जो है वो दफना दी। और आज भी जो है ना सब उसकी लान तान करते हैं, उसको लानते देते हैं उसकी मरने पे, जहाँ पर उसकी अभी जो कब्र है कचरे के नीचे ही है। तो देखें दुनिया में भी उसकी जो है ना कोई नाम लेवा नहीं है और बाद में भी उसका कोई नाम लेवा नहीं है, आज भी जो है ना सब उसको बुरा ही बुरा कहते हैं। और मेरे माशाल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही क्या है, जो उनको बुरा कहा गया, जो उनको बुरा करने की कोशिश की गई, माशाल्लाह से बस क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा। और सबके घरों में ही जो है ना जिनके भी बच्चे होते हैं सब अपना नाम मोहम्मद हसन हुसैन के नाम से रखते हैं, और किसी का कोई बच्चा होता तो ये उसका नाम यजीद नहीं रखते कि हम यजीद नाम रख दें। तो ये देखें बुराई का अंजाम बुराई होता है, और जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी अजर देता है और आखिरत में तो है ही अजर उनके लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी पाक मुकद्दस बीवी हैं, जो उनके रुपट्टे उनके सरों से नोच कर ले गए और ये समझ रहे थे कि शायद उनको हम बेइज्जत कर देंगे, उनके ख़ानदान को बेइज्जत कर देंगे और इस तरह जो है ना उनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। मगर देखें अल्लाह ने उनको जन्नत में उनका आला मकाम दिया है और जन्नत के वो मेहमान हैं। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद है, कोई मामूली बात नहीं है, हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मतियों में से हैं। मगर आज जो है ना लोग शायद खुदा को भूल गए हैं या रोज़े की आमद को भूल गए हैं कि शायद हमारा हिसाब नहीं होगा या मरने के बाद बस हम ख़त्म हो जाएंगे या हमें मरना ही नहीं है और हम ये दुनिया में जो कुछ भी करना है ना हम बस कर लें, हमारी ज़बान है, हमारे हाथ हैं, जो भी कुछ हो रहा है हमसे, जितना कुछ हमसे हो रहा है हम कर लें बुरा। तो ये क़यामत वाले दिन हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे जो भी हम बुरा अमाल करते हैं या बोलते हैं वो सारी हमारे साथ छोड़ देंगे और जहन्नम में हमें धकेल देंगे। तो यही मैं कहती हूँ सबसे, मुझे बहुत दुख सा होता है कि आज हमारे जो
लोग हैं, ये कौन सी सोच पे जा रहे हैं, कौन से डगर में जा रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। डॉक्टर इंजीनियर तो सभी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो है ना दीन की तालीम भी दें, उनको नमाज सिखाएं, उनको कुरान पाक पढ़वाएं, और बल्कि तर्जुमे से पढ़ाएं, क्योंकि एक एक लफ्ज़ में जो है ना हमारे लिए भलाई है, हमारे लिए अच्छाई लिखी है अल्लाह पाक ने। और जहाँ अगर हम कुरान पाक की तालीम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना, आप यकीन करें हमारी ज़िंदगी क्या, हमारी नस्लें संवर जाएंगी। और जी आज बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, अभी मैं आ गई थी ऊपर असर की नमाज़ अदा करने के लिए, और छोले मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, तो वो छोले जब तक उबल जाएंगे, क्योंकि भीगे हुए थे, मतलब मैंने सोडा डाल के भिगोने के लिए रख दिया था। तो बस यही जो होता ना मेरी रूटीन होती है। अभी देखें बाहर भी इतना हब्स हो रहा है, बादल हो रहा है मगर बारिश नहीं हो रही, यानी बारिश का इम्कान है। तो बस जिन लोगों के रोज़े हैं अल्लाह पाक उनको उनके रोज़ों को कबूल करें, उनकी इबादतों को कबूल करें और हिम्मत दे। और माशाल्लाह से बस जो है ना मुत्तर की पूरे रोज़े आ रहे हैं मुहर्रम हराम के। अच्छा बाद लोग कहते हैं मुहर्रम हराम क्यों कहते हैं इसको, मुझसे पूछा था, तो ये हराम के मतलब यानी हमारे उर्दू में तो इसको हराम कहते हैं यानी हलाल की ज़िद है, मगर अरबी ज़बान में जो है ना इसके मायने हैं तज़ीम के, और मतलब तज़ीम के हैं और इज़्ज़त के एहतराम के हैं, तो अरबी ज़बान में इसको एहतरामन कहते हैं, तो इसलिए मुहर्रम हराम कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अंदर आई थी और मैं हसन के साथ जो ना खेल रही हूँ। अच्छा बच्चों के साथ खेलने से ना दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो माशाल्लाह बच्चे जो होते हैं ना वो खेल कूद के बड़े खुश होते हैं, उनको भी टाइम देना चाहिए। काम तो हम करते रहते हैं मगर साथ साथ बच्चों को भी देखना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, बातें करना चाहिए। और हुसैन जो है ना माशाल्लाह बहुत शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे कमरे में इधर से उधर फेंकते रहता है। अभी आपको चीज़ें मेरी बिखरी भी नज़र आ रही होंगी ना, सारी हुसैन ने फेंकी हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं इसके साथ खेलूँगी, मस्तियाँ करूँगी, इसके बाद अभी नीचे जाऊँगी, और यहाँ पर नीचे जाके मैं थोड़ा ना अभी थोड़ा काम अभी बाकी है वो करने के बाद इंशाल्लाह रोज़ा इफ्तार करेंगे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे घर में ना रमज़ान आ गए, और बड़ा अच्छा लगता है जब साथ बैठ के हम लोग दस्तरखान पे बैठ के रोज़ा खोलते हैं और दुआएं करते हैं सबके लिए। तो मेरी दुआएं उन लोगों के लिए हैं जो मेरे जो मुझसे मुखलिस हैं, मेरे बच्ची से मुखलिस हैं, और जो दूसरों का भला चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरी दुआएँ। और उन लोगों के लिए हर वक्त मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनके औलाद नहीं है उन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक उनको भी औलाद की नेमत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब लोगों ने मुझे इतनी दुआ दी कि आंटी आप अपना ख्याल रखें और आप खुश रहें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी भी दुआओं को कबूल करें और आपके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ लाए, और अल्लाह पाक सबको जो है ना जहनी टेंशनों से बचाते। मैं कहते हैं अल्लाह पाक जहनी और कल्बी सुकून अता फरमाए, और जहनी और कल्बी सुकून जो है ना सिर्फ हमें इबादतों में मिलता है, अल्लाह ताला के जिक्र में मिलता है। किसी की बुराई करके, किसी की गीबत करके, किसी को बुरा करके हमें सुकून नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और किसी की गीबत करके हदीस में ये है कि कोई किसी की गीबत करता है तो वो ऐसा ही है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, तो कितना सख्त इसका गुनाह है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम किसी की गीबतें ना करें और अपने आप को इन चीज़ों से ना दूर रखने की कोशिश करें। तो ये काम यानी जो अल्लाह की राह में उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, जिनके दिल में खौफ खुदा होता है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको आखिरत पे ईमान ही नहीं होगा, तो फिर वो क्या चीज़ समझेंगे इन चीज़ों को। तो जी यहाँ पर हुसैन है ना वो तो चाह ही नहीं रहा कि मैं यहाँ इसको छोड़ के जाऊँ, और वो मुसलसल मस्तियाँ करे जा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जो है ना ऊपर रखूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा किचन जो है ना नीचे है और वो मुसलसल जो है ना कुछ करते ही रहता है, कभी पानी फेंकता है कभी कुछ करता है। तो बस ऐसे ही होता है, बच्चे तो अपना काम करते रहते हैं, बस काम क्या करते हैं काम बिगाड़ते हैं। तो जी अभी जो है ना हम लोगों ने इफ्तार किया, रोज़ा इफ्तार, और उसके बाद नमाज वमाज़ पढ़ के ऊपर आई थी, तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो इफ्तार की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मोबाइल जो था ना वो ऊपर था, और बस मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि इतनी बारिश हो गई कि नीचे पानी भी भर गया। तो अभी भी हब्स हो रहा है, पता नहीं रात को हमारे कब बारिश हो। तो हैदराबाद में जो है ना हमारे रात को ही बारिश होती है, दिन में बड़ा हब्स होता है। तो जी यहाँ पे अपनी वीडियो जो है एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखें,
और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।